और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रदेश की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की ओर से और जिला करनाल व पानीपत की ओर से उनका और आप सबकी ओर से वहां अभिनंदन करें प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा। भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, आज करण की धरती करनाल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हरियाणा की जनता जनार्दन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहनों की तरफ से नरेंद्र भाई का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस मंच पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट अश्विनी चोपड़ा है, हमारे करनाल लोकसभा के सभी उम्मीदवार मनोहर लाल जी कट्टर है, शशिकांत शर्मा है, रोहिता रेवड़ी है, सरदार बख्शीश सिंह है, करणदेव कांबोज है, आज हमारे हरविंदर कल्याण है, सारे लोकसभा के सभी यशस्वी उम्मीदवार कैलाश जी विजय वर्गीय, प्रोफेसर जगदीश जी मुखी, श्रीमान आईडी स्वामी, शशिपाल मेहता, नरेंद्र भाई, ये महाभारत की धरती, ये कर्ण के नाम से बसी हुई जमीन, हम आपको आश्वस्त करते हैं, नरेंद्र भाई पहले आपके नाम का वोट था, अब आपके काम का वोट है। 130 दिन में आपने पूरी दुनिया में भारत माता का जो डंका बजाया है, नरेंद्र भाई आप हमारे प्रभारी रहे, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। एक बार नरेंद्र भाई को हाथ जुटा करके ये हरियाणा की बहादुर जमीन आश्वस्त करे, नरेंद्र भाई मोदी आपके नाम से हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। एक बार सब लोग अपने प्रधानमंत्री को भारत माता की, भारत माता की। 19 अगस्त को नरेंद्र भाई आप कैथल में आए थे, उसी दिन हरियाणा की सर जमीन ने ये फैसला कर दिया था। मुख्यमंत्री ने उस दिन एक बेहुदा बात कही थी, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेंद्र भाई मोदी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपने हरियाणा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा पानीपत के जिलाध्यक्ष कि वे एक स्मृति चिन्ह द्वारा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। पानीपत जिला के हमारे जिलाध्यक्ष भाई गजेंद्र सलूजा जी, अब मैं अनुरोध करूंगा करनाल के जिलाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे। अब केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामविलास जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधा यादव जी, करनाल विधानसभा के उम्मीदवार
श्री मनोहर लाल खट्टर जी। इस रैली के संयोजक श्री चंद्र प्रकाश कथुरिया जी, जिला अध्यक्ष करनाल श्री अशोक सुखीजा जी, पानीपत के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी, गोरंदा विधानसभा के उम्मीदवार श्री हरविंद्र कल्याण जी, असम विधानसभा के उम्मीदवार सरदार बख्शी सिंह जी, नीलाखेड़ी विधानसभा के उम्मीदवार भगवान दास कबीरपंथी, इंद्री विधानसभा के उम्मीदवार श्री कर्णदेव जी कंबोज, पानीपत विधानसभा के उम्मीदवार श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी, पानीपत ग्रामीण विधानसभा के उम्मीदवार श्री महिपाल ढांडा जी, इसराना विधानसभा के उम्मीदवार कृष्ण पवार, समालखा विधानसभा के उम्मीदवार शशिकांत कौशिक जी मंच पर विराजमान, मेरे सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी और हरियाणा के प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव अभियान चल रहा है। कल विजयादशमी का पावन पर्व मना करके मैं भी आज आपके बीच आया और अभियान का प्रारंभ मैं हरियाणा से कर रहा हूं। दानवीर कर्ण की भूमि से कर रहा हूं, जिस धरती पर गीता का संदेश सुनाया गया उस धरती से कर रहा हूं। महाभारत का जो युद्ध जो सत्य के विजय के साथ जुड़ा हुआ है उस भूमि से मैं आज अपना आरंभ कर रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि जब मैं हरियाणा आता हूं तो लगता है मैं अपने घर आया, अपनों के बीच आया, क्यों यही धरती है जिसने मेरा लालन पालन किया, मुझे बड़ा बनाया, यहीं से मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, राजनीति जीवन के पाठ हरियाणा की धरती से पढ़े, और ये वो भूमि है जहां पर गुजरात का एक संतान स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे हरियाणा में प्रकाश फैलाने का काम किया। भाइयों बहनों, ये चुनाव हरियाणा के भाग्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। आपके पड़ोस में मैं बैठा हूं, आप ही का हूं और आपके लिए बैठा हूं। लेकिन मुझे अगर आप तक पहुंचना है तो बीच में कोई रुकावट आनी चाहिए क्या? बीच में कोई फाटक बंद होनी चाहिए क्या? बीच में कोई बंप होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना? आप चाहते हैं ना मैं सीधा सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं,
तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। अगर कोई और होंगे तो पता नहीं कितनी फाटकें बंद हो जाएगी, कितने बम्प लग जाएंगे। मैंने कहा था मुझे हरियाणा का कर्ज चुकाना है, क्या हरियाणा का कर्ज चुकाने के लिए मुझे आप सही व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे? हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नौजवान दोस्तों, आप तय कीजिए, आपके मां बाप को जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप भी वैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो क्या? आप बदलाव चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो? आपके गांव गली मोहल्लों में सुख चाहते हो? आपके नगर में सुख चाहते हो? तो फिर हरियाणा में बदलाव जरूरी है। आजादी के 60 साल हो गए, भाई बहनों, जो लोग 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए भैया, ये कैलाश मानसरोवर जब कांग्रेस की सरकार थी तब था कि नहीं था? कैलाश मानसरोवर था कि नहीं था? लेकिन वहां यात्रा पर जाना कितना कठिन था, अनेक लोग मरते थे, यात्री मौत को मुट्ठी में लेकर के जाना पड़ता था, और संख्या भी बहुत सीमित थी, और बड़ी आयु वाली व्यक्ति के लिए तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा संभव ही नहीं थी। जो काम 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने इतने कम समय में कैलाश जाने का दूसरा रास्ता चीन से खुलवा दिया। हम चीन को समझाने में सफल हुए, और अब बाय रोड गाड़ी में बैठ के आप आराम से कैलाश की यात्रा करके आ सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, मुझे बताइए भैया, चुनाव के लिए झूठ बोलना जरूरी है क्या? झूठ बोलना जरूरी है क्या? सरकार ने तो बेईमानी की, झूठ किया, जो किया सो किया, किसने किया, कब किया, कौन लोग गुनहगार है, मुझे कुछ कहना नहीं है। आप जानते हैं ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन मेरे किसान भाइयों बहनों, आप लोगों को एक बात पर सरासर गुमराह किया जाता है, सरासर झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बासमती चावल को भारत सरकार ने विदेश भेजने के लिए उस पर रोक लगा दी है। ये 100% झूठ है। ये किसानों के साथ अन्याय है। हकीकत क्या है? अकेला हरियाणा की मंडी में कांग्रेस सरकार ने 4% टैक्स लगाया हुआ है, और उसके कारण हरियाणा का किसान अपने
अपने बासमती चावल और जगह से जो बेचते हैं उसकी बराबरी नहीं कर पाता है। और खरीदार तो जो सस्ता होता है वो लेता है। जिम्मेवार किसानों के नाम पर 10 साल से सरकार पर बैठे हुए कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है, जिसके कारण बासमती पैदा करने वाला किसान बेहाल है। आप मुझे बताइए, यहां पानी नीचे जा रहा है, किसान परेशान है और आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, क्या ये आपका दायित्व नहीं था? क्या ये जिम्मेवारी आपकी नहीं थी? कोई गरीब मुझे बता दे हरियाणा में, जिस गरीब को जमीन का प्लॉट मिला तो जमीन गई किसके पास भाई? ये हजारों एकड़ जमीन कहीं कहां गई? कौन ले गए? क्या हरियाणा हिसाब चुकता करना चाहता है? अरे तो हरियाणा की कुरुक्षेत्र की धरती है, 1 इंच जमीन के लिए भी युद्ध कर करके यहां के विजय प्राप्त करने वाले लोग। मैं हैरान हूं भाई, करना कुछ नहीं और यही हालात बनाए रखना। आप मुझे बताइए, हरियाणा में जितनी सरकारें आई हैं पिछले 15 साल में, आपको सुख मिला है? परेशानी मिली है कि नहीं मिली है? मकान खाली करवाने के लिए गुंडे आते थे नहीं आते थे? मकान का कब्जा करने के लिए गुंडे आते थे कि नहीं आते थे? जमीन का खाली प्लॉट कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? आपसे रुपये लेकर के फिर खाली करते थे कि नहीं करते थे? इन चीजों से मुक्ति चाहिए, चाहिए मुक्ति? फिर तो भाइयों बहनों आपने मुझे अवसर देना पड़ेगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन यहां का पुलिस वाला भी मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो हरियाणा सरकार का पुलिस वाला है, वो दिल्ली सरकार का पुलिस वाला नहीं है। और हरियाणा सरकार कांग्रेस की है। अब आप मुझे बताइए, आपको उससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान की गूंज बज रही है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान पहले भी था कि नहीं था? 125 करोड़ देशवासी पहले भी थे कि नहीं थे? अमेरिका में कोई पूछता था क्या? जापान में कोई पूछता था क्या? चीन में कोई पूछता था क्या? आज हिंदुस्तान को क्यों पूछा जा रहा है? हिंदुस्तान की इज्जत क्यों बढ़ी है? हिंदुस्तान का गौरव क्यों बढ़ा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मोदी के कारण नहीं बढ़ा है। आप गलती मत कीजिए, ये मोदी के कारण नहीं बढ़ा है। ये गौरव इसलिए बढ़ा है क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई है। ये करिश्मा आपका है, जादू आपका है। ये जादू मोदी का नहीं है, करिश्मा मोदी का नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों का है। ये हरियाणा की जनता का है, जिसने लोकसभा में भी हमें इतना मनमर्जी से वोट दे दिया। हरियाणा क्यों भी आप चाहते हैं दुनिया में डंका बजे? आप चाहते हैं हरियाणा में हिंदुस्तान का डंका बजे?
उसकी पहली शर्त है कांग्रेस मुक्त हरियाणा होना चाहिए। दूसरी शर्त है यहां पर स्थिर सरकार बननी चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए। और तीसरी बात है आपके अपने मोदी को हरियाणा में काम करने दे, ऐसी सरकार बननी चाहिए। रुकावट डालने वालों की बनी तो मैं दिल्ली में रह जाऊंगा और बगल में गुड़गांव हो, बहादुरगढ़ हो, रोहतक हो, सब ऐसे कैसे रह जाएंगे। आप चाहते हैं मैं आपकी सेवा करूं तो पूरे हरियाणा के भाई बहनों मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार चाहिए और मुझे विकास करने के लिए अवसर चाहिए। हमने सरकार में आते ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया। हम हिंदुस्तान के किसानों को खेत तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। हमने आते ही गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की। इस देश में आधे से अधिक लोग गरीब लोग वो बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। मुझे बताइए ये सरकार की बैंक किसके लिए है? क्या माले तुजार लोगों के लिए है? क्या धन्ना सेठों के लिए है? क्या अमीरों के लिए है? क्या ये बैंक गरीबों के काम नहीं आनी चाहिए? 60 साल तक नहीं आई है दोस्तों, मैंने तय किया है अब गरीब को शाहकार के घर जाकर के ब्याज से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, बैंक उसको पैसा मुहैया करेगी, ये मैंने व्यवस्था की। और इतना ही नहीं, अगर गरीब जाकर के बैंक में खाता खुलवाता है तो मैं उसे कार्ड देता हूं। लोग कहते हैं हम तो मोदी खाता खुलवाने गए हैं, मैं कार्ड देता हूं और गरीब से गरीब परिवार को भी अकस्मात का 1 लाख रुपया का बीमा दे देता हूं, 1 लाख रुपये का बीमा। इतना ही नहीं, गरीब के परिवार में कोई बीमार हो गया, जब पैसे घर में कमाई करने वाला एक व्यक्ति बीमार हो जाता है पूरा परिवार बीमार हो जाता है। गरीब कहां से दवाई का पैसा लाएगा, कहां दवाई करवाएगा? जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलेगा वो गरीब इंसान को, उस परिवार को 1 लाख रुपए का बीमा तो मिलेगा लेकिन 30,000 रुपया बीमार हो गया तो दवाइयों का खर्च भी मिलेगा। ये क्यों नहीं हो सकता भाई बहनों? अगर विकास करना है तो सब कुछ हो सकता है। मुझे बताइए ये करनाल का रेलवे स्टेशन अच्छा बनाने के लिए वादा किया गया था कि नहीं किया गया था? आप मुझे बताइए किया गया था कि नहीं किया गया था? रेलवे मिनिस्टर चंडीगढ़ से दिल्ली इसी रास्ते से जाते थे कि नहीं जाते थे? उनको करनाल का स्टेशन दिखता था क्या? कुछ किया क्या? नहीं किया ना? आप मुझे बताइए फिर भी उस पर भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? क्या ये बदलाव आना चाहिए कि नहीं? मुझे बदलाव लाना है, मुझे बदलाव। हमारे हरियाणा में एम्स का एक कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, भारत सरकार बना रहा है, लेकिन मैं अभी अमेरिका गया था, मुझे अमेरिका गया तो भी मेरा हरियाणा याद आया। मैं नोबेल प्राइज विनर
कैंसर में जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया है उनको मिला था और उन्हें मैंने आग्रह किया था कि हरियाणा में हमारे कैंसर को लेकर के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट अस्पताल बन रही है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और भाई बहनों, भारत के गरीब लोगों को डेंगू में सस्ती दवाई मिले, मलेरिया में सस्ती दवाई मिले, कैंसर में रिसर्च हो, इसलिए मैं अमेरिका के साथ समझौता करके आया हूं और इसके कारण अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर के हरियाणा में जो कैंसर इंस्टीट्यूट बन रही है, हरियाणा अमेरिका और इंडिया मिलकर के वहां पर काम करेंगे और देश के गरीब कैंसर पीड़ित लोगों को दवाइयां मुहैया हो उसकी चिंता करने का काम हमने किया। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, आजकल जमाना हाईफाई का है, जमाना वाईफाई का है, लेकिन क्या जमाना सफाई का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाईफाई भी हो, वाईफाई भी हो, सफाई भी हो। अगर वाईफाई का महत्व है तो सफाई का भी महत्व है, अगर हाईफाई का महत्व है तो सफाई का भी महत्व है। हमारा करनाल, हमारे हरियाणा के नगर साफ सुथरे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में 500 नगर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, गंदा पानी का शुद्धिकरण और शुद्ध किया हुआ पानी खेतों में किसान को देना, ताकि हमारा किसान जो बिना पानी तरस रहा है उसको पानी शहर से वापस मिल जाए, इसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। जो शहर का वेस्ट है, मुझे वेस्ट में से भी वेल्थ बनानी है। जो कूड़ा कचरा है उसमें से खातर बनाना है और वो खातर सस्ते दाम मेरे किसानों को देना है, और वो खातर सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, ताकि मेरा किसान भी सुखी हो और मेरे शहरों की सफाई भी हो। हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। क्या करना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हरियाणा के शहर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दिल्ली के बगल में और चंडीगढ़ के पहले, क्या एक ही रोड पर सारी दुनिया चलेगी क्या? क्या हरियाणा अगल बगल में नहीं है क्या? इस मुख्य रोड के दाहिने और बाएं हरियाणा है कि नहीं है? वहां का हाल क्या है भाई? पीने का पानी तक मुहैया नहीं होता है, बिजली मुहैया नहीं होती है, और इसको बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए भाई? इतना ही नहीं, हमारे यहां के नेता बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं आज यहां से हमारे लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजी है, 10 साल का मैं जरा हिसाब सुनाता हूं आपको, क्या किया इन लोगों ने। साक्षरता के मामले में हरियाणा देश में 22वें नंबर पर खड़ा है। साक्षरता के मामले में हरियाणा देश में 22वें नंबर पर खड़ा है। कौन जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार? हरियाणा बेरोजगारी खत्म करने के मामले में, बेरोजगारी नौजवानों रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बेरोजगारी खत्म करने के मामले में हरियाणा 18वां नंबर पर खड़ा है। कौन जिम्मेवार? पूरी ताकत से बोलो, कांग्रेस सरकार जिम्मेवार। कौन जिम्मेवार? विकास दर के मामले में हरियाणा देश में 20 नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार?
कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? गरीबी कम करने के मामले में हरियाणा 9वें नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा 8वें नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में हरियाणा 12वें नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में हरियाणा 19वें नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? कृषि पर, ये किसानों की बातें करते हैं ना, कृषि पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में हरियाणा देश में 18वें नंबर पे खड़ा है। 18वें नंबर पे कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? कौन है किसान विरोधी? कौन है किसान विरोधी? भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। गांव के विकास पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में हरियाणा 13वें नंबर पे खड़ा है। 13वें नंबर पर आप मुझे बताइए कौन जिम्मेवार? ये गांव के दुश्मन है कि नहीं है? ये गांव का भला नहीं चाहते पक्का दिखता है कि नहीं दिखता है? परिवहन पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में हरियाणा 7वें नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? भाइयों बहनों, में आज आपसे अनुरोध करने आया, हमें यह स्थिति बदलनी है। और ये स्थिति बदलने के लिए मुझे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए। कि हमारे सभी उम्मीदवारों को आप विजयी बनाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जरा सभी उम्मीदवार आगे आ जाए, उम्मीदवार अकेले आगे आ जाए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। आज दिल्ली सरकार का अपरंपार प्रेम से बनेगी, प्रेम से चलेगी। हरियाणा दिल्ली के प्रेम से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। कमल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए। भारी मात्रा में मतदान कीजिए, हरियाणा का भाग्य बदलिए। जिनको पहले परखा है, अब दोबारा उनका ट्रायल मत लीजिए। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, आपको कोई काम हो तो चंडीगढ़ जाना सरल होगा कि तिहाड़ में जाना सरल होगा? आप मुझे बताइए, आपको सरकार का काम हो तो आप चंडीगढ़ जाना पसंद करेंगे कि तिहाड़ जाना पसंद करेंगे? निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपको करना है। मेरे भाई बहनों, निर्णय आप कीजिए और हरियाणा का भाग्य बदलिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।